और चलिए अब आपको एक अनोखी राखी के बारे में बताते हैं। जी हाँ, आज तक आपने बहुत तरह की राखियां देखी होंगी, रंग बिरंगी राखियां, रेशम की डोरी से बनी राखियां और बहुत सारे। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं तस्वीर, उससे आप ये समझेंगे कि भाई ये कैसी राखी है। जी हाँ, आज तक किसी को आपने गोबर पहने देखा है क्या? यानी कि गोबर से बनी राखी पहने देखा है क्या? क्या गोबर पहना जा सकता है? अगर आपका जवाब ना में है तो हम आपको बताते हैं कि इसे इस बार की राखी में हजारों लोग पहनेंगे। यहां तक कि हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक भी इसे पहनने वाले हैं और ये सब जमशेदपुर में हो रहा है। कैसे हो रहा है दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गोबर से राखी बना रही हैं महिलाएं, रोज बनाती हैं 250 राखी। 20 महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। आर्मी कैंपों में जा रही राखी, बंगाल और उड़ीसा में भी है खपत। गोबर की राखी से रोग होंगे खत्म, शुद्ध है गोबर की राखी। मिट्टी में डालने के बाद पैदा होगा एक पौधा। महिलाएं हाथों में गोबर लिए बैठी हैं और ये गोबर से राखी बना रही हैं। ये एक नया प्रयास है जिससे महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो रही है। इसकी शुरुआत की है सीमा पांडे ने। आज अपनी टीम के साथ रोजाना 250 से 300 राखियां बनाती हैं। उम्मीद से जुड़े हैं कि दो पैसा मतलब मेरी मदद हो जाएगी और मेरा रोजगार भी मिल जाएगा और जो है अच्छा जो है ये भाई बहन का संबंध भी मजबूत रहेगा। और कोरोना के समय हम लोगों को जो है और भी बहनों से उम्मीद करूंगी कि वो इस तरह से रोजगार से जुड़े। सीमा और उनकी टीम की बनाई राखी स्थानीय बाजार के साथ बंगाल और उड़ीसा की आर्मी कैंपों में भी भेजी जा रही है। ये माना जा रहा है कि इससे पहनने से लोगों को रोग नहीं होगा, पहनने के बाद इसे जमीन में डालने से एक पौधा भी पैदा हो जाएगा। हम लोग का कोई रोजगार नहीं है, कोरोना काल में काम बंद हो गया था, हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये बोले कि हम लोग बहुत महिलाएं अगर मिल जाए तो रोजगार हम कर सकते हैं, जैसे कि गौमूत्र से, गोबर से, मृतिका से और बहुत जड़ी बूटी से राखी तैयार करेंगे। तो हम लोग बहुत सारा राखी बना रहे हैं और हर जगह भेज रहे हैं। आज जब हर जगह रोजगार की मारामारी, ऐसे में सीमा की ये पहल सराहनीय है। इससे कई महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और पर्यावरण भी शुद्ध होगा। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट।